प्रसाद की खुशी में कानू हलवाई राजनैतिक चेतना मंच मुजफ्फरपुर द्वारा अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। मुजफ्फरपुर में आज उमाबाई तंबूवाले के हॉल ब्रह्मापुरा टोली जमा मस्जिद पुरानी बाजार स्थित सभागार में आरा के लोकसभा सांसद सुदामा प्रसाद की जीत की खुशी में कानू हलवाई राजनैतिक चेतना मंच मुजफ्फरपुर द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का आयोजन चेतना मंच के जिला अध्यक्ष कामेश्वर एवं अध्यक्ष शंकर की अध्यक्षता में की गई, जहां उपमेयर डॉक्टर मोनालिसा एवं राजमंगल साह ने अंग वस्त्र देकर सुदामा प्रसाद का स्वागत किया। साथ ही ओम प्रकाश गुप्ता ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। वहीं राजमंगल साह ने कहा कि 75 साल आजादी के बाद पहली बार भाकपा माले द्वारा टिकट कानू समाज को टिकट दिया और सुदामा प्रसाद की जीत से कानू समाज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ओम प्रकाश गुप्ता, उमाशंकर गुप्ता, अमित कुमार गुप्ता, डॉक्टर नवीन कुमार, रत्नेश कुमार, जन्मेश कुमार, सोनू कुमार गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता, राकेश रोशन, श्याम कुमार, मिथिलेश कुमार गुप्ता, राम जय कुमार, शंभू प्रसाद गुप्ता सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। जीत के पहले और जीत के बाद हर समय समर्थन है और आज यहाँ डॉक्टर उमा जी के यहाँ ये तंबू वाले जो है टेंट वाले साथी हैं इनके यहाँ सम्मान समारोह आयोजित किए हैं। रवि जी हैं, अधिकार जी हैं, डॉक्टर नवीन जी हैं, मोना लिखा जी हैं, श्री प्रकाश जी हैं, रामेश्वर प्रकाश जी हैं, रामेश्वर जी सभी साथी लोग ये लोग गए थे प्रचार करने की वहाँ पूरा हर तरफ से कठिन स्थितियों में उन्होंने प्रचार किया और जिताने का काम किया। तहे दिल से इनका धन्यवाद है, हार्दिक बधाई है। और मैं जो यहाँ के साथियों की जो अपेक्षा है हमसे, हम उस पर पूरी तरह से लोकसभा और लोकसभा के बाहर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सुदामा प्रसाद जी का अभिनंदन समारोह यहाँ हुआ था, तो सबसे पहले मैं माननीय सांसद महोदय सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने हमारे समाज का मान सम्मान ऊंचा किया है, हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है। बहुत सारी शुभकामनाएं, इन्होंने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं, स्ट्रगल इन्होंने किया है। मैं इनकी जीवनी को पढ़ी हूँ तब आज इस पद पर विराजमान है, तो मेरी आशाएं हैं जनता से कि जनता ने इनको जो मान सम्मान दिया उनके उनकी आशाओं पर ये खड़े उतरेंगे। मेरी पूरी इनसे विनती भी है कि सर आप आरा की हैं कि लोकसभा क्षेत्र के जितनी भी जनता है उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है आपको, तो लाज रखिएगा उनका। वो क्या कर रहे हैं, उनके कार्यवाहियों पर निगाह रखी है कि आपके बाल बच्चों के भविष्य को वो सुरक्षित बनाने का, बेहतर बनाने का वो प्रयास कर रहे कि नहीं, हो सकता बाहर में कर रहे कि नहीं। आपका व्यवसाय जो खेती पर निर्भर है यहाँ पूरे बिहार में, आपके व्यवसाय को मजबूत बनाने के लिए कोई कदम उठा रहे कि नहीं उठा रहे। मुझे लगता है कि एक पहली नज़र भी रखनी होगी हम लोगों की कार्रवाई, और जहाँ कहीं आपको कोई कमी नज़र आए, कोई गलती नज़र आए, आप अधिकार के साथ आप कहिए कि आप ये गलती कर रहे हैं, आपको ये सवाल उठाना चाहिए। ये मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूँ कि आपने अगर मुझे समर्थन दिया है, आपने मुझे ताकत दिया है, तो उस ताकत को नियंत्रित रखिए, नज़र रखिए, और आपकी रोजी रोटी की लड़ाई में, आपके मान सम्मान की लड़ाई में, इज्जत आबरू की सुरक्षा की लड़ाई में, आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की लड़ाई में ये आपका साथी एक हथियार बनकर के काम करें। आप ये जरूर ऐसा करें, मैं समझता हूँ कि इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, और आपका दिया समर्थन और आपका दिया पैसा, आपका 53 डिग्री सेल्सियस तापमान में किया गया प्रचार सब सार्थक हो। इसी के साथ मैं आप तमाम लोगों का पुनः एक बार अभिवादन करता हूं और कॉमरेड विष्णुदेव प्रसाद यादव को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं, जिनकी शहादत के बदौलत ये जीत हासिल हुई। आप तमाम लोगों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज़, जेड न्यूज़, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।